नमस्कार, आप देख रहे हैं एएम न्यूज। मैं हूं मोना पटेल। इस वक्त हमारे साथ है मेयर प्रत्याशी विशाल कुमार जी, जो काफी समय से समाज सेवा कर रहे हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत। धन्यवाद आपको और आपके एएम न्यूज के माध्यम से। मैं सीतामढ़ी नगर निगम के तमाम मतदाता मालिक को मैं प्रणाम करता हूँ और उनके ही माध्यम से सीतामढ़ी का नया अध्याय लिखा जाना है 28 तारीख को। यह अध्याय सीतामढ़ी के विकास का अध्याय होगा। यह अध्याय यहाँ के भ्रष्टाचार पर चोट होगा। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरा चरण को 28 तारीख को होना है, तो आपकी तैयारियां कैसी है सर? अब देख रही है, तैयारी है कि सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी एबीपी के हमारे सदस्य, सभी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और तमाम सामाजिक संस्था, तमाम सीतामढ़ी में कार्यरत जितनी भी संस्थाएं हैं, उन लोगों ने यह ठान लिया है कि सीतामढ़ी को बदलाव चाहिए। और सीतामढ़ी कब तक मूलभूत सुविधा के लिए तरसता हुआ एक ऐसा नगर निगम रहेगा कि जिसको लोग पहले नगर परिषद को यहाँ लोग एक ही नाम से जानते थे, उस समय कहते थे कि यह सीतामढ़ी का जो नरक परिषद है। सर, अभी भी फिलहाल कुछ ऐसी जगह जो नरक में है, ये है उसको नरक ही कह सकते हैं, और नगर परिषद से नगर निगम बना है और आपको देखा जा रहा है कि नगर परिषद के समय से ही समाज सेवा कर रहे हैं, तो नगर निगम में अब आप जीतने के बाद क्या परिवर्तन लाए? मैनेजमेंट एक ऐसा चीज है, आप उन्होंने कचरा प्रबंधन पर, इस शहर के लोगों को शायद जानकारी भी नहीं है क्योंकि आरटीआई के माध्यम से बहुत कम लोगों ने इस विषय को उठाया था। कचरा प्रबंधन के मामले में उन लोगों ने करोड़ों का घपला किया है। एक जमीन परचेज किया जो कुछ हजार रुपए इकट्ठे की थी और कागज पे उसको 4 लाख रुपए इकट्ठे दिखाया गया। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर करोड़ों का इसमें घोटाला हुआ। आपके यहाँ सीसीटीवी जो 6,000 रुपए का था 87,000 में लगाया जाता है, सड़क जो बनाया जाता है 1 साल में टूट जाता है, नाली जो ऐसी होती है जिसका पानी बस नाली में ही रह जाता है, इसका निकासी तक संभव नहीं होता है। जीतने के बाद सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? पारदर्शिता लगाएंगे और पारदर्शी व्यवस्था ला करके अब मैं भ्रष्टाचार पे चोट करूंगा, ये मेरा पहला काम होगा। दूसरा, मूलभूत सुविधा। अरे आज भी हम लोग कहते हैं कि जानकी जी का जन्मस्थली है, पर्यटन के नाम पे हमको विश्व में नंबर दिखाना है और हम अभी भी मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं। एक आदमी गरीब है, उसका मकान बनना है, मोदी जी उसको 2 लाख रुपया दे रहे हैं और दलालों को पेट में उसमें भी नहीं शर्म आता है कि वो उससे भी 30,000 रुपया मांग लेते हैं, उस पर चोट करना है। उसका मकान पूरे पैसे से बने 2 लाख से, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उसका भोजन, राशन, पानी, शौचालय, सारे पैसे में दलाली, इन सबको चोट करना है। मूलभूत सुविधाओं को आगे बढ़ाना है। पर्यटन की जो व्यवस्था है, उस पर्यटन में मैं जो यहाँ जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, यहाँ पे यात्री सुविधाओं का घोर अभाव है, यहाँ जो मंदिरों की व्यवस्था है उसको लेकर के लोगों के बीच में जो आप कह सकते हैं कि अब कोई आते हैं तो वो जनकपुर चले जाते हैं, उनको यहाँ ठहराव नहीं मिलता है, इन सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना है। यही सब देख करके आप राजनीति में उतरे हैं? नहीं नहीं, राजनीति में कोई अभी थोड़ी आया हूँ मैं। मैडम, मैं 2000 जहाँ तक मुझको ध्यान में आ रहा है कि 1990 में हमारे चाचा जी स्वर्गीय राधाकृष्ण प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी के, उससे पहले से ही वो राजनीति की है और यहाँ भाजपा के अध्यक्ष बने, 2 बार वो अध्यक्ष बने उन्होंने 2 टर्म। पिताजी श्री रामाशंकर प्रसाद जी 2010 में भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष बने। मैं 2013 में मोदी जी के चुनाव में, नरेंद्र मोदी जी का जो चुनाव का कैंपेन चला, मैं उसका एक हिस्सा था और उस चुनाव में मैंने चाय पे चर्चा का डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर था। उसके बाद 2014 में मैं जो यहाँ का चुनावी लोकसभा कार्यक्रम चल रहा था उसमें मैं बूथ पूरे डिस्ट्रिक्ट का बूथ ऑर्गेनाइजर था, तो उस कार्यक्रम हम लोग बराबर ही, कोई हम राजनीति में अभी नहीं आए। 2016 में से मैं यहाँ का नगर का अध्यक्ष हूँ और मेरे टर्म में मैं एक एक बूथ पर बैठक किया, एक एक बूथ की कमेटी बनाया, तो मेरा जो काम रहा वो बिल्कुल ग्राउंड पे रहा है। वहाँ पे ग्राउंड पे जहाँ कचरा है, जहाँ नाला टूटा है, जहाँ सड़कें नहीं है, जहाँ घोटाला से किसी गरीब को लूटा जाता है, मैं हर चीज के लिए आवाज उठाया हूँ। आपको ध्यान होगा मैडम कि 2017 में इस पूरे शहरी क्षेत्र में बिजली की 72 व्यवस्था थी, 2 घंटा बिजली रहता था, मैं उस समय भी धरना दिया था। तो
18 में हो उस समय या अभी भी आपके इस नगर निगम क्षेत्र के जो भी RTI के माध्यम से जो जानकारी मिली, तो मैं अभी 28 फरवरी को मैंने उस समय भी धरना दिया था। तो राजनीति में हम लोग हैं, सेवा के भाव से हैं, हम सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी, चाहे जानकी जन्मोत्सव आयोजन समिति हो या हमारा लियो क्लब हो या हमारा माता वैष्णो देवी सेवा मंडल हो, मैं हमेशा कार्यरत रहा हूँ। ये जो अभी आपके अपने शहर में जो अवैध रूप से अस्पताल बने हुए हैं बंद हो रहे हैं, कल छापामारी हुआ, हमको ऐसी सूचना मिली थी, बहुत सारे और अवैध काम, मैडम मैं फिर से बता रहा हूँ, अवैध काम यहाँ बहुत होते हैं, यहाँ अवैध बूचर खाना भी है मैडम, सवाल उस पर भी उठना चाहिए। तो आप अवैध बूचर खाना, अवैध बूचर खाना मैं बंद कराऊंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सीतामढ़ी नगर निगम के उन तमाम 1,64,000 वोटर को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बंद कराऊंगा अवैध बूचर खाना। हम लोग आरती गाते हैं तो हम लोग गाते हैं ना जी कि हाँ गौ हत्या बंद होनी चाहिए, तो केवल गाने से नहीं होगा, करने से होगा। मैं बंद कराऊंगा। तो अभी विशाल जी हमारे साथ हैं, अभी उनके पिताजी हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो विशाल जी के पिताजी हमारे साथ हैं सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ, और आज सीतामढ़ी शहर में मेयर पद का चुनाव पहली बार होने जा रहा है, और विशाल कुमार सबसे अच्छे उम्मीदवार है जनता की सेवा करने के लिए, क्षेत्र का विकास करने के लिए, और तमाम सामाजिक संगठनों से ये जुड़े हुए हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, ये सचिव है रेलवे बोर्ड के, ये उसमें भी सीसी डीआरयू सीसी के ये सदस्य है। इन सारे माध्यमों से ये सीतामढ़ी की आवाज को सब जगह हर प्लेटफॉर्म पर उठाते रहते हैं कि यहाँ विकास कैसे हो, भ्रष्टाचार दूर कैसे हो, यहाँ की ट्रेनें देश के हर कोने में सीतामढ़ी से ट्रेनें खुले, और हमारे ये पुत्र हैं, लेकिन ये अपने बूते पर जो है समाज का सेवा करते आ रहे हैं, और आज इतने बड़े काम के लिए बीड़ा उठाए हैं कि हम सीतामढ़ी की जनता की आवाज को ऊपर तक पहुंचाएंगे, यहाँ के लोगों का दुख कष्ट जो होगा वो दूर करेंगे। हमारा परिवार, हम 40 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में यहाँ समाज की सेवा करते आ रहे हैं। हम 1992 से 2000 तक 8 वर्षों तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी जिला के अध्यक्ष हम रहे, उसके माध्यम से हमने अयोध्या में जितने भी आंदोलन हुए उसका नेतृत्व सीतामढ़ी जिला का मैं करता रहा, और यहाँ से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को वहाँ बराबर समय समय पर वहाँ भेजता रहा, और यहाँ की माता जानकी के जन्म स्थान का वहाँ के लोग जो है सो नाम लेते रहे कि भाई माता जी की धरती से भी लोग आ रहे हैं अयोध्या जी, और यहाँ के काम में लगे हुए हैं, यहाँ जो मंदिर का निर्माण होना है, मंदिर बनना है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का बने, इसके लिए उस आंदोलन में यहाँ के लोगों ने बहुत अग्रिम भूमिका निभाई है। यहाँ के लोग उस क्रम में बहुत सारे लोग जो आंदोलन में जेल में भी बंद हुए थे, तो मैं उन लोगों को बराबर, मैं तो जेल मुझे जाने का वह सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन हमारे कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के वहाँ जो है जेल के अंदर जो है सो वो उनको बंद किया गया था। मैं उसके बाद 3 साल भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष रहा, हमारे प्रोफेसर श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जिला के अध्यक्ष बने, मैं उस समय जिला का उपाध्यक्ष था। उसके बाद सुफल झा जी, माननीय सुफल झा जी थे,
वो जिला के अध्यक्ष बने थे, फिर मैं उनके समय में भी जिला का उपाध्यक्ष बना था, और उसके बाद 2010 में मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला का अध्यक्ष बना, और इसके माध्यम से हमने यहाँ बहुत सारा जो भी यहाँ के लिए जो भी कुछ बन पड़ा, और खास करके भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए हमने उस समय बहुत मजबूती के साथ काम किया और संगठन को बहुत मजबूत बनाया, जो आज शहर में आप देखते भी होंगे कि हम लोगों का जो ये संगठन भारतीय जनता पार्टी का है वो कितना मजबूत है, और यहाँ के सारे कार्यकर्ता आज इस चुनाव में विशाल कुमार के साथ लगे हुए हैं। हमारे साथ मैं पूर्व जिला अध्यक्ष रामा शंकर प्रसाद, पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष जयेंद्र सिंह, पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार जी, और हमारे यहाँ के पूर्व भाजपा के जिला के महामंत्री प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार सिंह, श्याम चंद्र सिंह अमिताभ, पूर्व जिला के महामंत्री, ये सारे लोग, बहुत सारे जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के इस जिला के, वो विशाल कुमार के लिए जो है वो जो है सो सारे लोगों को जो है सो आग्रह निवेदन विनय कर रहे हैं कि इतना अच्छा उम्मीदवार, पहली बार जब चुनाव हो रहा है मेयर का, और इतना अच्छा उम्मीदवार जब आपके सामने आया है तो आप इनको मेयर बनाइए, आप सब लोग सभी लोग अपना अपना मत देकर और इनको मेयर बनाकर और सीतामढ़ी का विकास कराइए। सीतामढ़ी में आज 40 साल 50 साल से जो भी आज देख रहे हैं कि जो नगर परिषद पहले हुआ करता था, जो स्थिति आज 40 साल 50 साल पहले यहाँ की स्थिति थी, आज भी 50 साल में वही स्थिति है, या ये भी कह सकते हैं कि उससे बदतर स्थिति है। तो इतने सारे अधिकार है नगर परिषद के, अगर उन अधिकारों का यहाँ का चेयरमैन अगर उपयोग करता रहता, ईमानदारी से वो काम करता रहता, तो सीतामढ़ी आज जो है सो कम से कम बिहार में जो है सो एक ऊंचे स्थान पर और इसका इतना विकास हुआ रहता कि लोग नाम लेता कि माता जानकी की जन्मभूमि यहाँ जो है वो, मतलब यहाँ के नगर परिषद के द्वारा, यहाँ के चेयरमैन के द्वारा काम किया गया, और उसके द्वारा जो है सो ये पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग इसको जानना शुरू कर दिए हैं कि ये जानकी जी की प्रकाश स्थली है, माता जानकी की यह जन्मभूमि है। लेकिन कोई भी चेयरमैन आज तक इस काम को नहीं किया, और आप लोग को जानकारी है, सीतामढ़ी के लोग इस बात को जानते हैं कि विशाल कुमार जी माता जानकी जन्मोत्सव आज 10 साल से मनाते आ रहे हैं, और उसमें इनकी अग्रिम भूमिका रहती है, और इनका ये है कि ये जानकी जी का जो है सो ये जैसे अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण अभी पूरा होने जा रहा है, वैसे ही इनके मन में एक ज्वाला जल रही है कि यहाँ भी माता जानकी का मंदिर वैसा ही बने जैसा अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है। और हम लोग तो ये इनके सहयोगी कुछ है, उनसे भी हम बात करेंगे, और इनके पिताजी भी हमारे साथ थे, और इनके सहयोगी विशाल जी को आप लोग कितना सहयोग कर रहे हैं? विशाल जी को हम लोग तन मन से सहयोग कर रहे हैं। मेरा नाम अमृतेश कुमार हुआ, मैं सीतामढ़ी जिला भारतीय जनता पार्टी वाणिज्य प्रकोष्ठ का सह संयोजक हूँ। डेली कितना चलते हैं आप लोग? डेली कम से कम 10 किलोमीटर हम लोग चलते हैं। आप शहर में लगभग कितना दूरी तय कर चुके हैं? शहर में लगभग हम लोग का पूरा जो भी हम 40 वार्ड है पूरे नगर निगम में 40 वार्ड में हम लोग ने जनसंपर्क कर लिया है। चलिए कुछ और लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। ठीक है, आप बताइए कि आप भी विशाल जी के साथ पूरे शहर घूम लिए हैं? पूरा शहर घूम लिए हैं। तो शहर में क्या क्या कमियां नजर आई है? शहर में सबसे पहले स्टेशन से लेके और पुनौरा तक, वर्तमान में हम बता रहे हैं, क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, मूत्रालय और शौचालय, पानी पीने की व्यवस्था, रोड, ये इसकी तो क्या विशाल जी के सामने सब रखे हैं बात? तो विशाल जी से हम इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि हम तन मन धन से जुड़े हुए हैं। हमारा छोटा सा संगठन है जय हिंद परिवार। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कामेश्वर चौधरी। चलिए एक मैम है उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? पूनम शर्मा। आप विशाल जी का कितना सहयोग कर रहे हैं? बहुत सहयोग है, काम भी इनका अच्छा है।
और जो भी इनका आगे करने का मुद्दा है वो सब सही होगा और हम लोग भी पूरी पूर्ण रूप से समर्थन में हैं। विशाल जी के साथ अभी पैदल यात्रा करती हैं? पैदल यात्रा कर रहे हैं 14 तारीख से कंटिन्यू। कब से है आप राजनीति में? राजनीति 2003 से। तो आपने शहर के अंदर क्या क्या कमियां देखी है? बहुत सारी कमियां हमने पाई और हम लोगों ने कंप्लेन भी किया सारी जगह, और घर सीतामढ़ी में तो पूरे नरक के रूप ले लिया है। तो विशाल जी क्या बोले हैं, जीतने के बाद क्या करेंगे? जीतने के बाद वही कमी पूरा करेंगे, पूरी पूर्ण रूप से कमी पूरा करेंगे। विशाल जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे दर्शक हैं उनको? विशाल जी के लिए यही कहना चाहेंगे कि इनको हर भारी मतों से इनको विजयी बनना है और ये सारे काम को। चलिए एक और सर है, कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि देखने से लगता है कि कुछ बोलना चाहते हैं। सर आपका क्या सुनना हुआ? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ और मैं युवा मोर्चा से हूँ, युवा मोर्चा नगर मंत्री गौतम कुमार, और मैं अपना पूरा समर्थन विशाल भैया को। क्या देखे विशाल जी के अंदर ताकि आप विशाल जी का सपोर्ट कर रहे हैं? विशाल जी के साथ आज से नहीं, हम लोग 15 वर्षों से जुड़े हुए हैं, सभी सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य या जो भी समाज के अंदर धार्मिक संस्कृति जो भी कार्यक्रम होता है हम लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सहयोग करते हैं और साथ में रहते हैं। सीतामढ़ी के इतिहास में पहली बार मेयर का चुनाव होने जा रहा है और इसमें जनता को तय करना है कि अपना मेयर आपका कैसा होगा। तो बहुत ही अच्छे, ईमानदार, स्वच्छ और मिलनसार जो है विशाल भैया का है, और इनको भारी से भारी बहुमत देकर हम तो अपील करेंगे कि सभी से इन्हें विजयी बना दे और सीतामढ़ी के विकास को तेज रफ्तार गति दे। के प्रति जागृत है। मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है, मैं जानकी जन्म उत्थान समिति का उपाध्यक्ष हूँ और विशाल भैया के साथ लगभग बचपन से जुड़ा हूँ। लगभग 33 कैंडिडेट है जिले पूरे सीतामढ़ी में। गेरिया रंग का क्यों रखे हुए हैं? ये जानकी जी का अपना प्रतीक है, यहाँ सीतामढ़ी में जानकी जी का पर्यटक का विकास नहीं हो रहा है। बात तो अभी विशाल जी के जितने सहयोगी थे विशाल जी के लिए खड़े हैं, और विशाल जी के जो भी काम किए हैं विशाल जी और कब से क्या क्या कर रहे हैं उस सब की से ये लोग काफी खुश है, और आगे भी विशाल जी जीत करके सीतामढ़ी को नगर परिषद से नगर निगम में परिवर्तन करने में आगे करे रहेंगे, इसके लिए उनको जिताने के लिए खड़े हो रहे हैं। क्योंकि नगर निगम तो नाम क्यों हो गया है लेकिन अभी काम का ये नगर परिषद भी नहीं रहा है, तो आगे विशाल जी में नगर निगम बनाएंगे। कैमरामैन के साथ मैं मोना पटेल, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।